अभी आप हम तमाम ने मोहतरम जनाब अख्तर अली मान साहब के एक बार बसीरत अफरोज के बाद को समाप्त फरमाया। मोहतरम जनाब अख्तर अली मान साहब ने बहुत सी अहम बातें उसका जिक्र किया, आपकी तवज्जो उस जानिब मजबूर करवाई। मैं आपके सामने ज्यादा देर नहीं ठहरूंगा, सब अहम बात का जिक्र करके मैं यहाँ पर सफल हो जाऊंगा। और मेरी कोशिश यह है कि आज इतनी बड़ी तादाद में आज आप यहाँ पर जमा हुए हैं, आप यहाँ से पैगाम लेकर जाए, आप यहाँ से फिक्र लेकर जाए, ताकि जब आप यहाँ से जाएंगे तो 18 तारीख के दिन आप जब सुबह के अवलीन सातों में अपने घर से निकलकर अपने होट का इस्तेमाल करने जाएंगे, हमारी ख्वाहिश ये है, हमारी आपसे गुजारिश ये है कि आप अपना एक वोट पतंग छाप के निशान पर पतंग दबाएंगे। इसलिए मेरे भाई के मजलिस के मुखालिफीन ये कहते हैं कि हम फिरका परस्त हैं, हम हिंदू मुसलमान की मोहब्बत के कायल नहीं है। मैं आपको ये बात बताना अहम समझता हूं कि जिस रियासत से मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि हमारे मुखालिफी हम पे इल्जाम लगाते हैं फिरका परस्त है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस रियासत तेलंगाना से मैं आता हूँ वहां पर 3 महीने पहले असेंबली के इलेक्शन हुए और 119 असेंबली के सीट में से हमने और वहां की बक्सर इकतदार जमात जिसके चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव है, हमने 119 में से 103 सीट पर मोदी की बीजेपी की पार्टी की जमानत जब्त कर रहा है। बीजेपी के 5 MLA थे, 5 MLA में से उनका सिर्फ 1 MLA कामयाब हुआ है। ये काम किसने किया तेलंगाना में? ये काम असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रशेखर राव के साथ मिलकर वहां पर मोदी को शिकस्त दी। मोदी ने तेलंगाना में एक नहीं, दो नहीं, 3-3 बहुत बड़े बड़े जैसे अमित शाह योगी आदित्यनाथ हैदराबाद को आकर ये धमकी दिया कि अगर बीजेपी हैदराबाद में जीतेगी तो ओवैसी को यहाँ से भगा देगी। तो हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम ने फैसला किया कि हम मोदी को हराएंगे, योगी को भगाएंगे, अमित शाह को हमने हरा दिया। ये बात मैं पूछना चाह रहा हूँ हमारे मजलिस के मुखालिफीन से
क्या कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में बीजेपी को हराया या असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी को वहां पर शिकस्त दी। पार्लियामेंट का चुनाव मेरे पास हो चुका है तेलंगाना में, वहां पर बीजेपी का एक एमपी था, उस पार्लियामानी हफ्ते का नाम सिकंदराबाद। आप मेरी इस बात को नोट कर लेना, जब 23 तारीख को नतीजे आएंगे तो बीजेपी वो सीट भी इंशाल्लाह अल्लाह उनको शिकस्त देगा। पूरे तेलंगाना में 16 पार्लियामेंट की सीट पर टीआरएस कामयाब होगी, हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर आपका भाई असदुद्दीन ओवैसी कामयाब होगा। बाजू पड़ोस रियासत में आंध्र है, 25 पार्लियामेंट की सीटें हमें वहां पर जगनमोहन रेड्डी की तारीफ की। आप मेरी इस बात का नोट कर लेना, इंशाअल्लाह ताला 25 में से कम 20 से 21 सीट पर जगनमोहन जी कामयाब होंगे। वहां पर बीजेपी के 2 एमपी थे, इंशाअल्लाह उनकी जमानत हम सब करवाएंगे वहां पर। मेरे भाई ये काम हम कर रहे हैं, जमीन पर हम आरएसएस के नापाक साजिशों को नाकाम कर रहे हैं। अब तुम यहाँ बैठ गए। हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी कुछ वाकया होगा, सबसे पहले उसकी मजम्मत करने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी होता है। जो लोग हम पर तनकीद कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट ये है इनका कि ये वोट काटने आए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ सीमांचल की वयू आवाम को, चुनाव हो रहे थे, मैं आपसे गुजारिश कर रहा था, मैं पुकार पुकार कर आपसे कह रहा था कि सीमांचल की आवाम जरा मेरी इस बात को सुन लो, इस पर ध्यान दो, इस पर यकीन करो। मैं आपसे पुकार कर कह रहा था, मैं आपसे हुज्जत कर रहा था, मैं कलाम के जरिए आपसे तकरार कर रहा था कि देखो जिस गठबंधन के नाम पर आप वोट दे रहे हैं वो नीतीश कुमार एक दिन जाकर मोदी के गोद में बैठ जाएगा। मगर आपने मुझसे कहा कि ओवैसी साहब हमने फैसला बना लिया है, फैसला ले लिया है कि हम गठबंधन का साथ देंगे। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, मुझे माफ कर देना अगर मेरी बात आपको तकलीफ पहुंचा रही है। ये आपने वोट डाला गठबंधन को तो क्या आपसे धोखा नहीं हुआ? आपने मोदी को, मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ आपने वोट दिया तो क्या आपसे धोखा नहीं हुआ? जब आपसे धोखा हुआ तो फिर इसका जिम्मेदार नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी भी नहीं है, जिसने आकर आपसे कहा था कि हमको वोट दो, हम बीजेपी को बिहार में रोक देंगे, मोदी को रोक देंगे। तो मेरे भाई ये जिम्मेदारी उन पर भी आयद होती है। गुजरात में असेंबली के चुनाव हुए, क्या ओवैसी जाकर वहां पर अपने कैंडिडेट खड़ा किए? क्या मेरी पार्टी मजलिस वहां पर इंतखाबात में शामिल, बावजूद इसके कि कांग्रेस पार्टी के सदर मंदिर मंदिर गए, मोदी भी गए, और हद तो ये हो गई कि जब राहुल गाड़ी में बैठकर मंदिर को जा रहे थे तो मोदी ने कहा कि जब तुम गाड़ी में जाओगे तो मैं प्लेन को, उन्होंने तालाब को उतार दिया। उसके बावजूद भी आप कुछ